सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग फ्लेम और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो देखो, हम आ चुके हैं फिर से अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में, जहाँ पे हम करते हैं सर्वाइव और आपको दिखाते हैं एपिसोड टू एपिसोड नए नए बेसिक चीज़ें। और देखिए, इस बार में जब खेल रहा था सर्वाइवल वर्ल्ड, तो इसमें मेरे को कुछ कमी सी लग रही थी, मजा नहीं आ रहा है। सकते हो अब तो कर ही लोगे यार। वो यही है कि हमारे पास क्या नहीं है, कुछ तो नहीं है हमारे पास, वो है कपड़े तो हमने पहने ही है, क्या कहते हैं उसको, आर्मर। हमारे पास कोई भी प्रकार का आर्मर नहीं है, हमको आर्मर चाहिए होगा क्योंकि हम सर्वाइव कर रहे हैं यार, सर्वाइव के लिए आर्मर बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज हम अपने सर्वाइव वर्ल्ड में खुद के लिए बनाएंगे एक आर्मर। तो हाँ, आज हम जाएंगे माइनिंग के लिए, तो ये हम चले अपने केव में, जो जिसको हमने अपने हाथ से बनाई है। उस दिन देखो, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कॉबलस्टोन जमा कर रहे थे और कॉबलस्टोन जमा करते करते हमने पूरी माइनिंग खोद दी। और साथ ही साथ ऑफ स्क्रीन पर मैं जब उसमें काम कर रहा था, तो ये मेरे को एक बड़ी सी क्यू मिली उसमें, आप लोग अभी देख सकते हो। देखो, अब यहाँ से एक और सीढ़ी है, बहुत बड़ा सीढ़ी बना दिया यार, वो स्टेयर लगा के थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। और साथ ही साथ इतने भूलभुलैया जैसे हो गए, यहाँ पर रास्ता गया है, वहाँ पर रास्ता गया है, मतलब चारों रास्ता गया है। उसके बाद फिर आगे जाके दो माइन है यहाँ पे, लेकिन मैं जाऊँगा अपने माइन पे। उससे पहले हमको बहुत सारी फाइट लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं बनाऊँगा अपने लिए एक शील्ड। तो शील्ड कैसे बनती है, ये लॉक से और एक शायद आयरन इनगट से, ऐसे नहीं दिखा रहे रेसिपी है, क्या हो सकता है, सर्च करके देखते हैं। अच्छा, ऐसे रखना था क्या, मैं गलत रख दिया था, आयरन का ऊपर रखना था। ठीक है, ये बन गया अपनी शील्ड। और ये जो आप लोग मेरे पास डायमंड का आर्मर देख रहे हो ऑलरेडी, तो ये कैसे मिली आपको बताया तो मैं पहले, क्योंकि आप शक ना करो मेरे ऊपर, ये मेरे को मिली है ट्रेडिंग करके। तो मैं, हमारे पास एक विलेजर था जो कि मतलब आर्मर बनाता है, उसे क्या कहते हैं पता नहीं मेरे को, लेकिन उससे मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग की यार, मतलब दो दिन तक मैं लगातार ट्रेडिंग किया उससे। अब दो दिन कैसा, मतलब वीडियोज़ को साइड में रख के मैंने उसे दो दिन ट्रेडिंग किया, और उसके बाद मेरे को दिया उसने ये आर्मर, उसको पूरा मैक्स कर चुका हूँ मैं ट्रेडर को। और साथ ही साथ देखो, अब हम आ चुके अपने पहली केव में, जो कि मेरी फेवरेट केव है। यहाँ पे देखो, लावा भी है, वाटर भी है, और साथ ही साथ बहुत अंधेरा भी है, और नीचे मॉब्स मेरा पूरा वेट कर रहे हैं मेरे को मार, जब उतरूंगा तब मेरे को कूट देंगे उन लोग। देखो, स्लाइम्स है वहाँ पे, एक क्रीपर भी देखा मैंने, और लावा भी है, मतलब लावा में ना गिर जाओ बस मैं। अब कैसे उतरूँ मेरे को जरा भी आइडिया नहीं है, कुछ भी करके मेरे को नीचे उतरना है, टॉर्चेस लगाने हैं, और साथ ही साथ सारे मॉब्स को भी ख़त्म करना है कि यहाँ का रास्ता जो क्लियर हो जाए हमारे लिए, तब हो सकता है कि ये माइन हमारी खुद की हो सके। ठीक है, ट्राई करें कुछ भी करके, हमको नीचे उतरना है अभी। मैं वैसे धीरे धीरे बहुत डर डर के पत्थर खोद रहा हूँ यार, क्योंकि अगर मैं नीचे गिर गया, अरे भाई ए हेलो, ओ भाई बच गया, मेरे को लगा मैं तो ख़त्म। अरे भाई यहाँ पे, अरे ज़्यादा नीचे नहीं गिरी था, अच्छा वो पूरा नीचे नहीं गिरे, नहीं तो पूरी हेल्थ ही कट जाती यार। और साथ ही साथ नीचे मॉब्स भी वेट कर रहे हैं हमारा, तुरंत ख़त्म करते। ये थोड़ा सा आयरन ले लेते, थोड़ा सा नहीं यार, कितना है, 1 2 3, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मेरे को खुदाई हो ही नहीं रही मेरे से, मैं डर गया हूँ बहुत ज़्यादा। और शिफ्ट दबा के रखा, मैं जरा भी शिफ्ट को छोड़ नहीं रहा, शिफ्ट मतलब क्लच करके, क्लच ही बोलते ना, हाँ क्लच करके रखा हो जैसे एकदम। भाई कितना आयरन है इधर भाई, रवि ने की आयरन खदाने, बहुत सही, इतना आयरन, स्टार्टिंग में आयरन बहुत ज़्यादा जरूरी होते, तो आयरन कहीं छोड़ना ही नहीं चाहिए अपने को। इसके बाद देखो, काफ़ी आयरन ले लिया हम लोग, अभी ट्राई करें कि नीचे भी उतर जाए, क्योंकि नीचे मेरे को एक डायमंड दिखा था, आई थिंक वो दिखा लो, दे सकते हो, पहला डायमंड अपना हो सकता है, उसको हम लेंगे। लेकिन हमारे पास कोई भी आयरन की पिकेक्स नहीं है कि जिसे हम वो तोड़, हमसे उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो, कि पिकेक्स से तोड़ेंगे तो ही डायमंड मिलेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा वो। यहाँ पे दो स्लाइम्स कब से कूद रहे, बहुत आवाज़ भी कर रहे। और क्रीपर कहाँ गया यार, मैं नीचे तो आई गया, वैसे क्रीपर किधर गया दिख नहीं रहा, चलो खैर कोई ना। अब वो डायमंड कैसे भी लेना है हमको, उससे पहले हम पिकेक्स बनाएंगे अपने लिए, उससे फिर देखो ये आयरन भी खोद लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सेफ्टी, सेफ्टी क्या होती है, टॉर्चेस लगाओ आजू बाजू कि दूसरे मॉब स्पॉन हो के आने जाए अपने पास, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो इसमें भी आगे जाएंगे। उससे पहले आयरन ले लेते, इधर चार आयरन है, चार भी नहीं यार, और दो आयरन, छः आयरन यहाँ मिल गए अपने को, और काफ़ी सारे आयरन उधर ही मिल गए थे। आयरन की कोई कमी नहीं है, ये रवीन बहुत सही है। ये बन गई अपनी पिकेक्स, एंड इसके बाद अब चलते हैं वो आयरन खोदने, फाइनली अपना आयरन खोद लेंगे अभी। और ये मिल गया अपना सर्वाइवल सीरीज का पहला डायमंड है, ये अपने सर्वाइवल सीरीज का पहला डायमंड है, और इसको हम अच्छे से सेफ्टी से रख देंगे अभी, क्योंकि हमको ज़्यादा उंगली नहीं करना है, ये हमने डायमंड खोना नहीं है, इसको हमने चेस्ट में रख दिए। उसके बाद थोड़ा और कीमती सामान रख देंगे और आगे माइनिंग क्यों जाएंगे, क्योंकि आगे हम मर सकते हैं, और मर गए तो पता नहीं हम कहाँ से फिर वापस स्पॉन होंगे और कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बेड भी लगा दूंगा, जिस पे अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट यही सेट कर दूंगा कि फटाक से मैं वापस आ सकूँ लूटने के लिए, नहीं तो आप लोग समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम होती है। और माइनिंग करते वक्त ये एक जरूरी चीज़ याद रखना, और थोड़ा सा और आयरन मिलते हैं यहाँ पे, आयरन बिल्कुल नहीं छोड़ना मेरे को, एक आयरन नहीं छोड़ूंगा मैं यहाँ पे, देखना
पूरी रविन खाली कर दूंगा। आगे स्पाइडर है, मेरे को कोई पंगा नहीं करना है इससे। मैं चलता हूँ यहाँ से, अभी कहीं और देते। यहाँ पे बहुत सारा आयरन, ये भी ले लेते हैं। यार आयरन बहुत मिल रहा है कसम से, ये रविन है कि आयरन का खदान है। मेरे को लग रहा है खदान में घुस गया हूँ। यहाँ का भी आयरन साफ हो गया। देन उसके बाद मेरी पैंट कहाँ गई? हेलो, डायमंड की पैंट किधर गई मेरी? ये क्या सीन है? मैं उतार दी कहीं पे ऐसे लग रहा है मेरे को, या फिर इन्वेंटरी में रख दिया क्या? देखो आप ऊपर से, और देखो मॉब गिरा और स्पाइडर गिर के मर गई यहाँ पे। गजब यार भाई, अभी इसमें जाने की बारी, जो कि सबसे डेंजर मेरे को लग रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अरे भाई, ओ हेलो, एक टॉर्च लगाती है, सीधा डायमंड इतने सारे मिल गए। अबे यार कितना डायमंड यहाँ पे। स्टार्टिंग में एक डायमंड दिखा, मैंने दूर दूर से देखा था। उसके बाद फिर एक टॉर्च लगाती है, इतना सारा डायमंड भाई। कितना है? 3 डायमंड और मिले अपने को। अपने पास टोटल 4 डायमंड हो चुके हैं। एक और है क्या? 5 डायमंड टोटल अपने पास। 5 डायमंड हो चुके हैं भाई। पिकेक्स तो बन जाएगी, प्लस 2 डायमंड अपने बच जाएगा। ये भगवान, क्या रवि ने, ऐसी रवि ने हर किसी को मिले यार, काफ़ी सही रवि ने। और आप लोग कुछ डाउट हो रहा होगा ना, अगर मैंने कुछ चीटिंग वीटिंग इसमें अप्लाई किया, मतलब चीटिंग लैपिस भी लेते थोड़ा सा, तो वो ऐसा कुछ सोचना मत। क्योंकि देखो आप लोग, मैं एक प्रूफ दिखाऊंगा जिसको आप लोग श्योर हो सकते हो कि मैंने कोई चीटिंग नहीं किया। क्योंकि देखो ये सर्वर वाला वर्ल्ड है, मैंने इसको सर्वर में जब भी जब क्रिएट किया था, तब ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है। उसमें मैं ट्राई किया था, एक्चुअली देखा था मैंने, लेकिन ऐसी कोई सी चीज़ थी नहीं जिससे मैं क्रिएटिव कर सकूँ या फिर कोई कमांड लिख सकूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप लोगों को प्रूफ दिखा दूंगा मैं आगे चल के। तो इसीलिए अब मेरे ऊपर डाउट करना बंद करो। और ये जो डायमंड आप लोग देख रहे हो, ये रियल डायमंड है, मैंने कोई चीटिंग या फिर हैक यूज नहीं किया। अरे भाई एक और भाई, रवि ने की क्या है ये? ओ गॉड, एक और डायमंड हम लोग को फाइनली मिल गए यहाँ पे। और ये नीचे हम लोग देखो कितना आ गया, डीप स्लैट हर जगह दिख रहे हैं। और -20 ब्लॉक्स नीचे हम लोग, मतलब ओवरवर्ल्ड से कितने नीचे है देखो, -20 ब्लॉक्स नीचे हम लोग। ऐसा लग रहा है नेदर में घुस जाएंगे अभी। चलो कोई ना, ये डायमंड निकाल लेते इसके पीछे। प्लीज़ एक और हो जाए, एक डायमंड और चाहिए मेरे को इसके पीछे। मैं आराम से खोदूंगा इसको, प्लीज़ भगवान एक डायमंड और दे दो मेरे को इसके पीछे प्लीज़। नहीं यार शिट, एक ही डायमंड था इधर। तो अपने पास टोटल 6 डायमंड हो चुके, आई थिंक 6 ही होंगे हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम 4 मिले थे, फिर एक और ये 2, 6 हो गए। चलो कोई ना, इतना भी डायमंड स्टार्टिंग में बहुत सही है यार। और यहाँ पे लावा देख के मेरे को पहले शक हो गया था कि हाँ यहाँ पे डायमंड मिल सकता है, और वैसे ही। अरे भाई, ओ ओ भाई, ये क्या, मैं पागल हो जाऊँगा, इतने सारे डायमंड। ये कौन सी जगह है? ये कोऑर्डिनेट क्या है? ये कौन सा मैप है भाई? मैं कहाँ आ गया हूँ? हर जगह डायमंड ही डायमंड देखने को मिल रहे हैं, इतने पास पास में। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 डायमंड यहाँ पे भी। ओ भाई, टोटल 11 डायमंड अपने पास हो चुके हैं। अपने डायमंड की यार भूख मिट गई मेरी तो अभी, बस कसम से बहुत डायमंड ले लिया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अभी। इतना डायमंड में तो संतुष्टि पूरे रवीन में आके मज़ा ही आ गया। 7 डायमंड यहाँ पे और 6 डायमंड आई थिंक, आई गेस 5 डायमंड वहाँ होंगे, इन्वेंट्री में होंगे। अब चलते सीधा पानी के दारे ऊपर। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ घर पे अभी सारे डायमंड लेके। मेरे को अभी मरना नहीं है कुछ भी करके। अब मेरे को कुछ भी करके जाकर घर पे आराम से डायमंड को चेस्ट में प्यार से रख देना, एकदम सहार के, एकदम अच्छे से पॉलिश करके रखूँगा देखना। और उससे पहले अगर मैं सही सलामत पहुँच गया तो फाइनली अब जाके काफ़ी खुदाई करने के बाद मेरे को मिली अपने केव के रास्ता। देखो जहाँ से मैं घुसा था, और रास्ता देखो कहाँ से निकला, मैं खो गया था अंदर खोदते खोदते। उसके बाद हम पहुँच गए अपने घर पे। अब अपने जो डायमंड है वो सब जमा कर देंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, उतना सारा डायमंड लेके आ गया रवीन में स्टार्टिंग में यार, इतने सारा डायमंड। और ये जो सीरीज़ है अपनी बहुत ज़्यादा यार लकी है, छोड़ी जा रही है। और यहाँ पे देखो 2 चेस्ट प्लेट और वो पैंट एक्स्ट्रा है। आप लोग सोचो ये कहाँ से आ गया अब तेरे पास? तो वही मैं बताया था आप लोगों को कि ट्रेडिंग करके मिला था, तो मैंने एक्स्ट्रा रख लिया था, क्योंकि हमारे साथ एक और बंदा खेलता है, आप लोग जानते हो, एक नहीं बहुत सारे बंदे खेलते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने रख लिया है। जिस किसी को मिल जाए वो रख लेना मेरे क्या। और यहाँ पे देखो टोटल मैंने उस वहाँ से 12 डायमंड उठा के ला दिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे को बहुत मज़ा आया खेलने में, आप लोगों को वीडियो देखने मज़ा आया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। तो ठीक है, इसीलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। खत्म।